विजयदशमी के अवसर पर गुरु गोरखनाथ मंदिर में आयोजित राज तिलक समारोह में पहुंचे भाजपा के पदाधिकारियों सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने गोरखपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ को तिलक लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी खेलकूद प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक राकेश सिंह पहलवान तथा हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने सभी नागरिकों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गोरखपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ आदित्यनाथ के पारंपरिक राज तिलक समारोह में सभी लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शामिल हुए हैं तथा भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से रामलीला मैदान में श्री राम दरबार की आरती उतारने के साथ शोभा यात्रा पुनः गोरखनाथ मंदिर परिसर में आकर संपन्न हुई। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के खेलकूद प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राकेश सिंह पहलवान तथा हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह और गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने कहा। विजयादशमी के पावन पर्व पर ये गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत ढंग से गोरखपीठाधीश्वर महाराज का टीका होता है और महाराज जी सभी श्रद्धालुओं को स्वयं टीका लगाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद महाराज जी की शोभा यात्रा निकलती है। एक पारंपरिक ये चला आ रहा है, ये हिंदू समाज में बड़ी इसकी मान्यता है गोरखपीठ की, और उसका हर साल की बात ये इस साल भी देख रहे हैं, बड़े धूमधाम से हो रहा है। विजयादशमी के अवसर पर मैं सभी को, गोरखपुरवासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूं, मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं और एक आग्रह करता हूं कि विजयादशमी रावण का पुतला जलाने से ही केवल नहीं मनेगा। रावण आज घर घर में घुस गया है, नहीं तो 250 साल से लेके और 50, 60 साल, 70 साल की वृद्ध महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं सुनने को नहीं मिलती। राम की पूजा तभी सार्थक है कि राम के आदर्शों पर चलें, अपने अंदर के रावण को मारें, राम को अपने विराजें, राम के आदर्शों पर चलें। मैं पुनः एक बार सभी को विजयादशमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज दशहरा का पर्व है और इस दिन बुराई पे अच्छाई की जीत, यानी अच्छाई हमेशा जीतती है, लेकिन उसको सेलिब्रेट हम करें, हम उत्सव के रूप में मनाएं, इसलिए आज विजयादशमी का ये पर्व मनाया जाता है। आज के दिन गोरखपीठ में श्री गोरखपीठाधीश्वर का परंपरागत तरीके से तिलकोत्सव का कार्यक्रम होता रहा है पूर्व वर्षों में, लेकिन कोविड के कारण से इस बार केवल एक थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम सब लोगों ने पूज्य महाराज जी का नमस्कार किया है, फिर प्रसाद ग्रहण करके हम लोग यहाँ पे अभी शोभा यात्रा भी निकलती है, यहाँ पे परंपरागत तरीके से निकलती रही है, लेकिन इस बार उसको भी कोविड के कारण से लिमिट किया गया है और केवल पूज्य महाराज जी की यात्रा जाएगी यहाँ पे और मानसरोवर जाएगी। मानसरोवर मंदिर पे पूजा अर्चना करने के बाद फिर रामलीला ग्राउंड पे रामलीला का पूज्य महाराज जी भगवान श्री राम, माता सीता और कंसुध हनुमान जी के वहाँ दर्शन करेंगे और दर्शन और आरती करने के बाद पुनः मंदिर वापस आएंगे। विजयदशमी का पावन पर्व श्री गोरखनाथ मंदिर में, हजारों वर्षों की ये परंपरा है कि गोरखपीठाधीश्वर नौ दिन नवरात्र के बाद निकलते हैं, गुरु गोरखनाथ जी महाराज का पूजन करते हैं और मानसरोवर में रामलीला मैदान पर जाकर के भगवान राम का राज तिलक करते हैं। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए वर्तमान में गोरखपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आज यहाँ पर उनका तिलक हुआ है और थोड़ी देर के बाद उनका एक शाही जुलूस निकल करके रामलीला मैदान में जाएगा, भगवान राम माँ जानकी और लक्ष्मण को तिलक लगा करके उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। उसी में हम सब हर्षोल्लास के साथ विजयदशमी के पावन पर्व को मना रहे हैं। विजयदशमी के पावन पर्व में पर सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। खिलाएं आज कन्या, पहले खिला, उसके बाद नवरात 9 बजे पूजा किया, सूर्य प्रातः 9 बजे, उसके बाद अभी राज तिलक हुआ है, 1 से 3 बजे तक तिलक हुआ है, तिलक उसके बाद 4 बजे मानसरोवर जाना है, वहाँ राम लक्ष्मण को पहले तो मानसरोवर जाएंगे, देवी देवताओं को पूजा करेंगे, उसके बाद रामलीला मैदान में राम लक्ष्मण सीता हनुमान की पूजा करेंगे और उसके बाद तिलक वस्तु करेंगे, राज तिलक करके फिर वापस आ जाएंगे, यहाँ 7 बजे फिर भोजन की व्यवस्था है।